झारखंड की जिला सिमडेगा के बानो प्रखंड के बाकी पंचायत ग्राम बाकी भेलवा टोला में सुबोध डांग पिता जोहान डांग के घर को हाथियों ने ध्वस्त कर दिया और धान चावल व गेहूं को खा लिया और साइकिल को पैर से रौंद दिया। बाकी वन समिति की अध्यक्ष श्री परशुराम सिंह ने हाथियों के द्वारा बर्बाद किए गए परिवारों को तत्काल 50 किलो चावल अनुदान में दिया और बाकी पंचायत की मुखिया श्रीमती सिलवंती तोपनो हाथियों के द्वारा बर्बाद की गई फसलों का जायजा लिया। वन समिति के अध्यक्ष श्री परशुराम सिंह ने कहा कि हाथियों द्वारा ध्वस्त किए गए परिवार के लिए सोने के लिए घर की व्यवस्था की जाएगी। मेरा साथ में है राजकुमार जी, नमस्कार। मेरा नाम सुबोध राम। घर में हो करके कौन सा पंचायत है? कौन सा टोला है? सिमडेगा जिला के बाना प्रखंड पंचायत बांकी और गांव भिलवा टोली है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि हाथियों का झुंड ने किस तरह का नुकसान किया है। फिर क्या क्या नुकसान किया है? धान चावल गेहूं और साइकिल घर। आज रहने के लिए व्यवस्था कहाँ आप लोग सोइएगा? कहाँ घर चाहिए? बाकी भेट घर चाहिए। हाँ, चावल खाने के लिए है कि नहीं? आज नहीं है। इसके लिए क्या व्यवस्था है? चावल मुखिया जी आपको क्या बोले? चावल देंगे। बोल ठीक है। आपका क्या नाम है? परशुराम सिंह, वन समिति अध्यक्ष बांकी जी। आज हाथियों का झुंड ने यहाँ घर नुकसान किया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत दुखद स्थिति है, काहे कि इसको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, तमाम चीज़ बर्बाद करके चला गया है। लेकिन इसके लिए कुछ व्यवस्था राहत के लिए दिया जाएगा। अभी वन समिति की ओर से राहत के लिए अभी इसको 50 केजी चावल मुहैया किया जाएगा और ताकि उनका कुछ खाने का व्यवस्था हो जाए। अखंड भारत न्यूज के लिए कैमरामैन राजकुमार सिंह के साथ धीरज कुमार की रिपोर्ट सिमडेगा।